हेलो गाइस, मल्टीमीडिया स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम की एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको मुख्तलिफ लॉगिन सिस्टम के बारे में बताऊंगा कि जब आप रजिस्टर अ न्यू मेंबरशिप करेंगे तो आप एज ए टीचर, स्टूडेंट एंड पेरेंट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यूज़र नेम देना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी नेम है, और ईमेल एड्रेस, और उसके बाद ईमेल, यहां पर मैं टीचर लिख लेता हूं यूजर नेम पे टीचर। उसके बाद आ जाएगा पासवर्ड, फुल नेम, बर्थडे, ठीक है जो भी बर्थडे है चूज करें, जेंडर, ठीक है यहाँ से जेंडर चूज करें, एड्रेस, फोन नंबर, मोबाइल नंबर जो भी है, ठीक है। रजिस्टर अ न्यू मेंबरशिप पे क्लिक करेंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए जो एडमिन है उससे रब्ता करना पड़ेगा। क्यों? एडमिन जो है वो आपके अकाउंट को एक्टिवेट करने के बाद ही आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने अभी टीचर, उसके बाद आप रजिस्टर अ न्यू मेंबरशिप करें, आप स्टूडेंट को रजिस्टर करना चाहते हैं स्टूडेंट भी रजिस्टर कर सकते हैं। स्टूडेंट ईमेल एड्रेस और पासवर्ड, फुल नेम, रोल नंबर, आईडी, ठीक है, और इसके अलावा क्लास, और क्लास का सेक्शन, ठीक है, वो सिलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है, और उसके बाद आपको जेंडर सिलेक्ट करना है, ठीक है, एड्रेस सिलेक्ट करना है, और रजिस्टर अ न्यू मेंबरशिप करेंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, ठीक है, ये इसकी भी रजिस्ट्रेशन हो गई। उसके बाद हम एक पेरेंट की रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, रजिस्टर अ न्यू मेंबरशिप पेरेंट, ईमेल एड्रेस, ठीक है, पासवर्ड आ जाएगा, पासवर्ड के बाद फुल नेम आ जाएगा जो भी है, प्रोफेशन आ जाएगा, और इसके बाद आपके पास बर्थडे आ जाएगी, यहां से आप बर्थडे को चूज कर सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद एड्रेस आ जाएगा, इसी तरह जेंडर सेलेक्ट करें, सेम मेथड है रजिस्ट्रेशन का, और यहां से लिंक स्टूडेंट, स्टूडेंट को लिंक करना है, ठीक है। आप यूजर नेम को सर्च करें, सर्च करने के बाद आप अपने स्टूडेंट को लिंक कर सकते हैं, लिंक रिलेशन क्या है, ठीक है, और रिलेशन देने के बाद रजिस्टर अ न्यू मेंबरशिप करेंगे तो इसकी भी रजिस्ट्रेशन हो गई है, ठीक है। अब आप जैसे साइन इन करेंगे तो ये साइन इन नहीं होगा, ठीक है, मैं साइन इन करता हूँ, देखें प्लीज सिक्योर ईमेल एड्रेस, ये इसकी रजिस्ट्रेशन हो गई है लेकिन इसका अकाउंट अभी एक्टिवेट नहीं है, तो मैं एज ए एडमिन इसमें लॉगिन कर लेता हूँ, और लॉगिन करने के बाद आप आएंगे टीचर्स में, ठीक है, और यहाँ पर वेटिंग अप्रूवल में जो हमने रजिस्ट्रेशन की थी आप देखेंगे वो अभी अप्रूवल में पड़ा हुआ है, ठीक है, इसको एडमिन अप्रूव करेगा उसके बाद ये लॉगिन हो सकेगा। इसी तरह हमने एक स्टूडेंट को रजिस्टर किया था, ये अप्रूवल में पड़ा हुआ है, इसको मैं अप्रूव कर लेता हूँ, और इसी तरह एक पेरेंट को भी हमने रजिस्टर किया था और उसको भी एडमिन जो है वो अप्रूव करेगा तो तब ये लॉगिन कर सकेंगे। ये तीनों अप्रूव हो गए हैं। अब उसके बाद मैं लॉग आउट कर लेता हूँ यहाँ से। लॉग आउट करने के बाद मैं अब एज ए टीचर में लॉग इन कर लेता हूँ। एज ए टीचर जैसे मैं साइन इन करूंगा तो अब ये
साइन इन हो जाएगा, ठीक है। साइन इन होने के बाद इसके बाद टीचर का लॉगिन का डैशबोर्ड आ जाएगा, ठीक है। ठीक, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्तलिफ डैशबोर्ड है, स्टैटिक पेजेस हैं, मैसेजेस हैं, ठीक है। टीचर जो है वो मैसेज सेंड कर सकता है, कैलेंडर को व्यू कर सकता है, क्लासेस शेड्यूल को देख सकता है, ठीक है, अटेंडेंस लगा सकता है, ठीक है, अपनी क्लास की। इस तरह वेकेशन के लिए अप्लाई करना चाहता है तो वो वेकेशन के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। गेट वेकेशन करेंगे तो इसका कंफर्म वेकेशन इस डेट में रहो, कंफर्म करना चाहते तो वेकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब ये वेकेशन की एप्लीकेशन एडमिन के पास जाएगी, एडमिन वहां से अप्रूव करेगा तो ये फिर वेकेशन कर सकता है। इसी तरह लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में बुक्स वगैरह देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, ऐड नहीं कर सकता। इसी तरह स्टूडेंट को देखना चाहते हैं तो स्टूडेंट भी देख सकता है, स्टडी मटेरियल है, असेसमेंट है, बाकी तमाम चीजें आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट है, इस तरह अकाउंट की अपनी अकाउंट सेटिंग करना चाहते हैं तो अकाउंट को सेटिंग कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था टीचर लॉगिन। उसके बाद मैं लॉग आउट कर लेता हूँ और यहाँ से अब मैं लॉगिन करता हूँ स्टूडेंट को। जैसे मैं स्टूडेंट को लॉगिन करूंगा तो हमारे पास स्टूडेंट का डैशबोर्ड आ जाएगा, स्टैटिक पेजेस, कैलेंडर, मैसेजेस, ठीक है, वेकेशन, जिस तरह वो टीचर ने वेकेशन के लिए एप्लीकेशन ली थी इसी तरह ये भी आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, गेट वेकेशन वेकेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो कंफर्म वेकेशन करें, ठीक है, तो उनकी इसकी भी एप्लीकेशन सबमिट हो गई। इसी तरह अपनी अटेंडेंस को देख सकते हैं, ठीक है, अटेंडेंस ले नहीं सकता, अपने टीचर के मॉड्यूल में देखें कि टीचर अटेंडेंस ले सकते हैं, जिस तरह अपनी अटेंडेंस को व्यू कर सकता है, इस तरह बुक्स व्यू कर सकता है, मार्कशीट्स व्यू कर सकते हैं, अपनी स्टडी असेसमेंट अगर हुई हो, ठीक है। इसी तरह बाकी अकाउंटिंग है, अपनी इनवॉइस देख सकता है, ठीक है, जो भी इसकी फी दी है या ड्यूज इसके जो भी हैं उनको सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट देख सकता है, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट का लॉगिन। इसके बाद मैं इसको लॉग आउट करके एज ए पेरेंट लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। पेरेंट लाइन लॉगिन करूंगा तो पेरेंट का डैशबोर्ड आ जाएगा। पेरेंट जो है वो अपने स्टूडेंट का, अपने जो चाइल्ड है उसका डेटा देख सकेगा, ठीक है, लाइब्रेरी, स्टूडेंट्स, ठीक है। इसी तरह एग्जाम लिस्ट है, न्यूज रिपोर्ट है, बाकी अकाउंटिंग है, अपने जो भी उसका रिलेटिव्स है, जिसके साथ रजिस्ट्रेशन है, लिंक है, उसकी अटेंडेंस, उसकी मार्कशीट, उसकी फीस वगैरह, ये पेरेंट जो है वो व्यू कर सकता है, ठीक है। लेकिन बाकी स्टूडेंट के ये नहीं व्यू कर सकता, सिर्फ उसी स्टूडेंट के व्यू कर सकेगा जो इसके साथ लिंक किए हुए हैं, ठीक है। अब इसको मैं लॉग आउट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये था लॉग इन सिस्टम अल्टीमेट स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक दूसरा स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम लेकर आऊँगा जो आप फ्री में डाउनलोड कर सकेंगे और उसको यूज कर सकेंगे। अगर आप उसकी अपडेट हासिल करना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें, जैसे ही उसको मैं अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आएगा, तो फिर आप उसको डाउनलोड कर सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।